हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ घर बैठे आप मैंगो शेक कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये घर पर मैंने मैंगो शेक बनाया है। दिखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है और उतना ही आपको पीने में भी काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैंगो मिल्कशेक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 आम। देख सकते हैं ये आम अच्छे तरीके से पके हुए हमने लिए हैं। 1/2 कप चीनी, 1 बड़ा कप दूध। ड्राई फ्रूट्स आपका ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा, नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे कुछ आलमंड्स लिया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बर्तन और आम दोनों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और हम इस आम को अच्छे तरीके से काटेंगे, इसका ऊपर का ये लेयर, और इसमें रखेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं, हमने इसका ये वाला ऊपर वाला काट दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से आम को छील लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें आम को बिल्कुल इसी तरीके से छीलना है, आप देख सकते हैं। अब आम का हम जितना भी पल्प है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, जो हमारा ओरिजिनल मैंगो का पल्प है। कुछ इस तरीके से हमें मैंगो का जो पल्प है निकालना है, देख सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसे भी अच्छे तरीके से पल्प निकालेंगे। जितने भी हमारे मैंगो के कुछ इस तरीके से पल्प हैं उनको हम नीचे ऐसे कर लेंगे और इसको हमें मिक्सर में डालना है। तो हम इसको डायरेक्टली हम मिक्सर में ट्रांसफर कर देते हैं। फ्रेंड्स ये मिक्सर ग्राइंडर है हमारा, इसमें हम मैंगो का जो पल्प हमने जो जूस निकाला था वो इसमें डाल देंगे। हम इसमें मैंगो का जो पल्प है ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें अब हम ऐड करेंगे शुगर, देख सकते हैं शुगर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने शुगर ऐड कर दिया, अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। दोस्तों याद रखिएगा, दूध जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉयल होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध हम बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं करेंगे। तो दूध जो है वो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। इसमें हम दूध ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसमें दूध डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे। फ्रेंड्स चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा जो मैंगो का जो शेक है वो ऑलमोस्ट रेडी है। आप ऐसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें आलमंड्स या कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स डाल करके गार्निश करके अगर एंजॉय करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, बट ये टोटली ऑप्शनल है। प्लीज इसको हम निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। इसमें मैं सर्व करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो मैंगो जूस है वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसको हम गार्निश करने के लिए ये मेरे पास थोड़ा सा एडिड कलर जो है एक कलर जूस है वो उसमें हम ऐड कर देंगे। देख सकते हैं देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। अब इसमें हमको ऐड करना है आलमंड्स, तो आलमंड्स को हम अच्छे तरीके से बारीक काट लेंगे या पीस लेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो मैंगो शेक है वो कम्प्लीटली रेडी है और दिखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, देख सकते हैं। इसको हम ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में 15 से 20 मिनट तक रख देंगे ताकि इसका जो ओरिजिनल जो टेस्ट है वो आपको पहुंच सके, देख सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये थी रेसिपी मैंगो शेक घर पर बनाने की। अगर आपको मेरी ये रेसिपी जरा भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।